इंस्टेंट्स में लेके आई हूँ बहुत ही बढ़िया रेसिपी सोया मलाई चाप। आई एम श्योर इसको सुन के आपके मन में लड्डू और मुंह में पानी आ गया होगा। सो देरी किस बात की है, घर पे बनाते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। सो फ्रेंड्स मेरे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राधिका, राधिका रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑल को एनेबल कर लीजिए। सोया मलाई चाप बनाने के लिए फ्रेंड्स ये मैंने 300 ग्राम सोया चाप ली है, मार्केट में इजिली मिल जाती है। इसको मैंने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इसकी जो स्टिक्स हैं वो इजिली निकल जाती है, वो सारी इसमें निकाल देंगे इस तरह से। जैसे ही स्टिक्स निकालेंगे फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे, हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, बहुत इजिली कट जाते हैं। बहुत छोटे छोटे नहीं काटने, इस साइज के, ये देखिए इस तरह से। काटने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसको करेंगे फ्राई। चाहे तो आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हो या फिर डीप फ्राई भी कर सकते हो। फ्राई इसलिए करना है क्योंकि अगर हम ऐसे ही चाप को बनाएंगे तो ये खाने में कच्चा कच्चा सा टेस्ट आएगा, जो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगेगा। एक पैन में लूंगी फ्रेंड्स मैं 1/2 कप ऑयल, इसमें मैं करूंगी शैलो फ्राई हमारे चाप को। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए इसको बहुत ही जेंटली हम ऐसे रख देंगे। बिलीव मी, फ्राई करके देखिएगा, उससे टेस्ट जो है बहुत बढ़िया आएगा। अदरवाइज कच्चा बनाओगे तो उससे टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसको हमने बीच बीच में फ्लिप भी करना ताकि हर तरफ से ये डार्क ब्राउन हो जाए, इस तरह से कहीं से भी ये कच्ची ना रह जाए। अब चाप फ्रेंड्स हमारी काफी हद तक डार्क ब्राउन हो चुकी है, इससे ज्यादा ब्राउन नहीं करना। अब हमने इसको जो फ्राई करना ना फ्रेंड्स मीडियम टू हाई फ्लेम करना है, बहुत ज्यादा लो फ्लेम पे नहीं करेंगे। अब गैस का फ्लेम मैं कर देती हूँ बंद और इसको किसी भी बाउल में अलग से निकाल लेते हैं इस तरह से। चाप फ्रेंड्स हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसको बहुत अच्छा टेस्ट देने के लिए करते हैं इसकी मैरिनेशन, लेकिन मैरिनेशन के लिए इसको पहले थोड़ा ठंडा होने देते हैं, तब तक बनाते हैं बहुत ही बढ़िया मसाला। मसाला बनाने के लिए इस तरह से क्रशर लेंगे, उसमें मैंने ली है 3 से 4 इलायची, थोड़े से मैं इसमें लूंगी लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च 10 से 12 दने। अब इसको हम कूट लेंगे इस तरह से, ये देखो ये रहा हमारा मसाला। अब इसमें जो साबुत इलायची है फ्रेंड्स इसको हम अलग कर लेंगे, इसको आप किसी में भी यूज कर सकते हो, इसको बीच में हम यूज नहीं करेंगे ये वाली। अब मैरिनेशन के फ्रेंड्स इसमें मैं डाल रही हूँ दही। दही जो है मैंने अच्छे से बीट कर ली थी, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। इसमें मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच दही के, ठीक है। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक 1/2 चम्मच, ताकि अच्छे से हमारी चाप में चला जाए, और थोड़ी सी काली मिर्च 1/4 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स करके साइड पे छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, और तब तक बनाते हैं इसकी ग्रेवी की तैयारी इस तरह से। मैरिनेशन से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ग्रेवी बनाने के लिए फ्रेंड्स उसके पहले हम लेंगे कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए मैं इसमें डालूंगी कुछ खड़े मसाले, 1 तेज पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी साबुत, 2 इलायची। इसको हल्का सा स्टर करेंगे। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी फ्रेंड्स अदरक, 2 से 3 हरी मिर्च और थोड़ी सी लहसुन इस तरह से। और साथ ही फ्रेंड्स इसमें मैं डाल दूंगी 2 प्याज इस तरह से मोटा मोटा काट के। अब इसको हम सारे मिक्सचर को 1 से 2 मिनट तक सॉटे करेंगे, ताकि प्याज की जो कच्चा टेस्ट है वो ना रहे। सिर्फ 1 से 2 मिनट तक, हमें इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, बस इतना भूनना है कि इसका जो प्याज का अपना एक कच्चा टेस्ट है वो ना रहे। लगातार इस तरह हिलाते रहेंगे। जैसे ही 1 से 2 मिनट हो गए मैं इसमें डाल दूंगी इस तरह से टुकड़ा काजू है, 10 से 15 होंगे टोटा, मतलब टुकड़ा वाला जो काजू होता है थोड़ा सा सस्ता पड़ता है इसीलिए मैंने डाला है, ठीक है। आप चाहें तो इसमें साबुत भी डाल सकते हो। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी फ्रेंड्स 1 कप पानी। अभी सारे मिक्सचर को हम 10 मिनट तक स्लो गैस पे पकाएंगे। हमारा मेन पर्पज है कि काजू और जो प्याज है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से ढक के रख देते हैं और स्लो गैस पे 10 मिनट हो गए। लेट्स सी हमारे प्याज और काजू अच्छे से सॉफ्ट हुए के नहीं। ये देखिए अच्छे से सब कुछ सॉफ्ट हो गया। गैस का फ्लेम मैं कर दूंगी बंद। अब इसको ठंडा होने देते हैं। अभी ग्रेवी का मसाला फ्रेंड्स हमारा ठंडा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बनाते हैं बहुत ही फाइन पेस्ट। पेस्ट बनाने से पहले ये जितने हमारे खड़े मसाले हैं ना इसको निकालेंगे, अदरवाइज जब हम इसको पीसेंगे ना तो इसमें कड़वापन आएगा और इसका कलर भी हमारी डिश का खराब कर देगा। ये जितने खड़े मसाले और हरी मिर्च भी इसमें निकाल देंगे। ये रे, तो इस तरह से इसमें मिक्सी का कोई भी जार ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए, चाहे तो ब्लेंडर भी ले सकते हो। अब इसकी हमने बहुत ही फाइन पेस्ट बनानी है।
इस तरह से हमारे पास ये पेस्ट रेडी हो गई। तो फाइनल डिश बनाते हैं। एक कढ़ाई में मैं लूंगी 2 टेबलस्पून देसी घी, आप चाहे तो अमूल का बटर भी ले सकते हैं। देसी घी और अमूल मटर में बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्ट फर्क आएगा। रिफाइंड ऑयल में मत बनाइएगा, ठीक है। साथ ही अगेन जैसे ही घी हमारा मेल्ट हो जाए, मैं इसमें डाल दूंगी 1 तेज पत्ता, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा ये जो हमने मसाला बनाया था ना, इलायची वगैरह का, ये भी इसमें डाल देंगे। अगेन इसको स्टर करेंगे और साथ ही इसमें मैं ये जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था, प्याज और काजू का, ये डाल देंगे सारा। अब इसको भूनते रहेंगे। कब तक भूनना है? जब तक कि ऑयल सरफेस पे नहीं आ जाता, यही उसकी पहचान है, ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो सारा निकल जाए। इस तरह से, वो भी मीडियम टू लो फ्लेम, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं। लेट्स सी हमारी अनियन की ग्रेवी कैसी हुई है। ये देखिए, साइडों से देसी घी उसने अच्छे से छोड़ दिया, दैट मीन्स हमारी प्याज की जो पेस्ट है अच्छे से पक चुकी है, ठीक है। साथ ही इसमें में जो हमने मैरिनेशन करके चाप रखी थी वो डाल देंगे सारी इसमें, इसी तरह से दही के साथ में, बहुत ही जेंटली, ताकि पीसीस हमारे टूटे नहीं। ये जितनी दही वाली ग्रेवी है ये सारी इसी में डाल देंगे। अगेन इसको करेंगे मिक्स और डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। गैस का फ्लेम मेरा स्लो ही है, अराउंड 1/2 टीस्पून नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हो फ्रेंड्स। साथ ही फ्रेंड्स, इसमें आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इसमें फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं, या फिर जो घर पे मलाई होती है अब वो भी डाल सकते हो। लेकिन कैसे डालनी है, इस तरह से छन्नी लेके ऐसे, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। इसको ऐसे छान लीजिए ताकि ये भी एक तरह से क्रीम का काम करे। ये मैंने 3 चम्मच डाले, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगेन करेंगे इसको मिक्स। अब इसकी कंसिस्टेंसी फ्रेंड्स, पतली और गाढ़ी अब अपने हिसाब से रख सकती हो, ठीक है। अगेन इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, वैसे हमने ऑलरेडी इसमें खड़े मसाले डाले हुए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाल देते हैं। ये रहा थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ी सी फ्रेंड्स इसमें मैं डालूंगी चीनी, ये ऑप्शन है, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ही कम, अराउंड 2 पिंच। अगेन करेंगे इसको मिक्स। अब इसको ढक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए, वो भी स्लो फ्लेम पे, ताकि अच्छे से हमारी ग्रेवी जो है पक जाए। इस तरह से लेट्स सी हमारी सोया मलाई चाप कैसी हुई है। हो कितनी बढ़िया रंगत आई, कैसे घी और मलाई ने सारा घी छोड़ दिया। ओहो, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती। और फ्लेवर देने के लिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी इसमें मैं डालूंगी कसूरी मेथी, ड्राई वाली डालिएगा जरूर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्की सी। और थोड़ा सा एंड में फिर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा इलायची का पाउडर, ये सारा फ्लेवर्स का ही गेम है फ्रेंड्स। और थोड़ा सा धनिए के पत्ते, बहुत कम, ज्यादा नहीं। अगेन करेंगे मिक्स और करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो फाइनली रेडी है जी हमारी सोया मलाई चाप, ऊपर से गार्निश कर देते हैं थोड़ी सी इलायची और काली मिर्च से। अब इस डिश को रुमाली रोटी, लच्छा परांठा या सिंपल रोटी के साथ एंजॉय कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।